सितंबर 2023 में दुनिया भर में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी करने वाले वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय संकेत का पता लगाया। ये संकेत पहले कभी नहीं देखा गया और इस संकेत को आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक हर जगह दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि सामान्य भूकंप की गड़गड़ाहट के बजाय संकेत केवल एक कंपन आवृत्ति के साथ एक निरंतर गुनगुनाहट था और ये 9 दिनों तक चला। पहले तो शोधकर्ता हैरान रह गए। उन्होंने इसे यूएसओ एक अज्ञात भूकंपीय वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया। आखिरकार इस संकेत का स्रोत ग्रीनलैंड के सुदूर डिक्सन फजॉर्ड में एक बड़े भूस्खलन से पता चला। 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल भरने के लिए पर्याप्त चट्टान और बर्फ ग्रीनलैंड में गिर गई थी। इससे 200 मीटर ऊंची लहर के साथ एक मेगा सुनामी आई जो लंदन में बिग बेन से 2 गुनी ऊंची थी। भूस्खलन से ग्रीनलैंड के फजॉर्ड में एक झटका महसूस किया गया, एक लहर भी शुरू कर दी जो 9 दिनों तक जारी रही। ये भी अनुमान है कि भूस्खलन की अपार शक्ति ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर के पतले होने के कारण थी। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा कि चट्टानों के खिसकने के कारण डिक्सन फजॉर्ड में खड़ी तरंगों द्वारा संकेत उत्पन्न हुआ था। अध्ययन के निष्कर्ष इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्रायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच खतरनाक प्रतिक्रियाएं कैसे पैदा कर रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि दशकों में ग्लेशियर की मोटाई में करीब 10 मीटर की कमी आई है जिससे पहाड़ का आधार कमजोर हो गया और जब पहाड़ ढह गया तो इसने पृथ्वी के माध्यम से कंपन भेजा। इसने ग्रह को हिला दिया और भूकंपीय तरंगे पैदा की जिन्हें वैश्विक स्तर पर महसूस किया गया। ये घटना जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव की याद दिलाती है। जैसे जैसे ग्लेशियर पतले होते जा रहे हैं और जमीन की सतह गर्म होती जा रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सुनामी और अधिक होने की संभावना हो रही है। डिक्सन फजॉर्ड में भूस्खलन इस बात पर प्रकाश डालता है कि जलवायु परिवर्तन न केवल मौसम के पैटर्न और समुद्र के स्तर को प्रभावित कर रहा है बल्कि पृथ्वी की पपड़ी की स्थिरता को भी प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जैसे जैसे ग्रह गर्म हो जाएगा हम ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं को और अधिक देख सकते हैं।